नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे। प्रदेश भर में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सभी जिलों में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा, इसलिए फंगस के मरीजों को इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में भेजा जा रहा है। ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए खतरे पर डीएम ने जानकारी दी और कहा है कि मौजूदा कोविड अस्पतालों में दूसरे मरीजों में ब्लैक फंगस न फैले, इसका ध्यान रखा जा रहा है और कोरोना पेशेंट्स को भी फंगस के बारे में जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल जो डिसिग्नेटेड हॉस्पिटल्स है उत्तराखंड गवर्नमेंट के ओर से, कुछ हॉस्पिटल्स को डिसिग्नेट किया है कि जो है ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जो है रेफरल किया जाता है। यहाँ जितना भी केसेस आया है तुरंत, जैसे एम्स है वहाँ पे हमने रेफरल किया है। बाकी जो है इस पर फिलहाल यही है कि हम लोग एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पर ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं उसमें जो स्टीरॉयड्स यूसेज को लेकर के है या ऑक्सीजन में जो है जितने भी ऑक्सीजन सपोर्ट में रहते हैं उसमें जो है जो पानी जो प्रयोग होता है, इसी प्रकार का जो है मल्टीपल जो ब्लैक फंगस का जो कॉसेस है उस पर जो है अभी हम फोकस कर रहे हैं ताकि जो है इस प्रकार का। वहीं हरिद्वार में तेज आंधी और भारी बारिश के कारण भूपतवाला स्थित 20 अस्पताल में कई जगह से सीलिंग गिर गई। सीलिंग गिरने की वजह से अस्पताल में काफी नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने अधिकारियों से फोन पर बातचीत की है और अस्पताल को जितनी भी क्षति हुई है इसके बारे में बताया है। इसी के साथ में सतपाल ब्रह्मचारी ने अस्पताल के मरीजों का हालचाल भी जाना है। कलियर हज हाउस में नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों के साथ में एसडीएम ने बैठक की। बैठक में कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की गई और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया गया। एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार हर स्तर पर कोविड-19 से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है और ये भी कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल क्या है ना, हमारे जो ग्रामीण हैं ये जो सोशल मीडिया पे तरह तरह की वो अफवाहें फैलती हैं उनमें भ्रमित हो जाते हैं। जब हमारे सारे नगर पंचायत के सदस्यों ने हमने कराया अपना वैक्सीनेशन, लेकिन इससे हम सबको अपनी ज़िंदगी का बहुत विशेष ध्यान रखना है इस महामारी के अंदर जो हमारे देश के अंदर और दुनिया के अंदर फैली हुई है। मैं अपनी खासकर नगर पंचायत की जनता से, अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से और अपने बड़े बुजुर्गों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है और वो हम सब की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गलत तरह की अफवाहें जो फैल रही हैं इनमें बिल्कुल गुमराह ना हो और ये हम सब के लिए इतना अनमोल चीज़ है, क्योंकि अगर यही चीज़ हमें पैसों में लेनी पड़ती तो इसकी। वहीं ऋषिकेश में पत्रकारों के हितों को देखते हुए कई बिंदुओं को लेकर भारतीय पत्रकार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल और सूचना महानिदेशक के समक्ष पत्रकार हित में कई बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान हुई बातचीत में पत्रकारों की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया गया। इस अहम चर्चा के बाद में सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह ने जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं बहादुराबाद के गंगनहर में डूबे हुए युवक की तलाश के लिए पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चौकी इंचार्ज चंद्रमोहन सिंह ने खुद रेस्क्यू की कमान संभाली है। रेस्क्यू करने वाली टीम ने बताया है कि हम अपनी टीम और आधुनिक उपकरणों के साथ में युवक की तलाश करने के लिए पहुंचे हैं। ऑपरेशन जारी है, अभी कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है लेकिन प्रयास जारी है, जल्द ही युवक को खोज लिया जाएगा। जैसे हमें सूचना मिली थी कल, तो कल हम मौके पर आए थे लेकिन अत्यधिक समय होने के कारण फिर बोट आज लेके आने पड़ी। जितने हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उक्त संसाधनों द्वारा हरिद्वार पुलिस की जो टीम है हमने मिलके काफ़ी देर तक रेस्क्यू का जो अभियान था उसे चलाया और अभी तो फिलहाल कामयाबी हाथ नहीं लगी, बट कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, बॉडी मिल जाए तो समय से उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया जाए। बात देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हमारे पर्याप्त से उपलब्ध संसाधनों के द्वारा भरसक प्रयास। वहीं ऋषिकेश में निजी परिवहन कारोबारी इन दिनों काफी गुस्से में हैं।
निजी परिवहन कारोबारियों का कहना है कि किराए में बढ़ोतरी करने की बात कही गई थी, लेकिन किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बता दें कि करीब 300 बसों का दस्तावेज परिवहन विभाग को सरेंडर किया गया था। वहीं पर वाहन स्वामियों को भी टैक्स में बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई। टैक्स में छूट न मिलने पर वाहन स्वामियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी सभी मांगों की ओर ध्यान दिया जाए। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में कई लोगों को पिछले काफी समय से राशन नहीं मिल पा रहा। राशन न मिलने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोजगार छिन रहा है, और अब परिवारों की हालत ये हो गई है कि उन्हें राशन भी नहीं मिल पा रहा। आगे ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि आगे भी उन्हें अगर राशन नहीं मिलेगा तो वो आपूर्ति दफ्तर में जाकर प्रदर्शन करेंगे। कार्ड तो रजनी भाजी के यहाँ से था, वहाँ राशन लेने गए थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारा यहाँ कार्ड फिर नाम नहीं है। फिर हमने चौहान भाजी के यहाँ करा, वहाँ भी अभी तक हमारा नाम नहीं आया। जनवरी से हमें राशन मिल ही नहीं है, तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमें राशन मिले हमें राशन गाड़ी पर, अब तो हम ज़्यादा परेशान हो गए ना। अब आज भी लोग भी सब घर ही में बैठे हुए हैं। वहीं विकास नगर में कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से लोगों को जागरूक करने के साथ में ही डेंगू से बचाव के लिए भी कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। डेंगू का खात्मा करने के लिए इलाके में फॉगिंग करवाई जा रही है। नगर पालिका ने अपने इलाके में भी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाया है। इसी के साथ में सफाई कर्मचारियों को भी नालियों की सफाई करने का आदेश दिया गया है। कोरोना काल में हम सैनिटाइजेशन का कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार और जिलाधिकारी के निर्देश पे एक तारीख से, आज से डेंगू से बचाव, डेंगू की रोकथाम हेतु जो एंटी लार्वा दवा है उसका स्प्रे कर रहे हैं, और फॉगिंग भी आज से प्रारंभ कर दी। इसका वार्ड वाइज रोस्टर बना रखा है, ये आज वार्ड नंबर 1 से शुरू हुआ तो कल भी एक में रहेगा, परसों नरसों, इसको दो दो दिन हर वार्ड को। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए छात्रों के पास से चोरी की 8 बाइकें बरामद की गई हैं। पुलिस की पूछताछ में छात्र चोरों ने बताया कि गिरोह के सदस्यों पर एक्शन लिया जा रहा है और बाकी के सदस्यों को पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। रुड़की सर्किल क्षेत्र में जो वाहन चोरी का कुछ बढ़ोतरी हुआ था उसका रोकथाम में तो हमने जो है टीम गठित की है। आज उस टीम का जो कोतवाली रुड़की का टीम को बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें जो है हमने ये अंतर्राज्यीय वाहन गिराव का 2 सदस्य जो हमने गिरफ्तार किया है, एक नौशाद और एक इस्लाम। इनसे कुल 8 जो टू व्हीलर हमने बरामद किया है, इसमें एक कोतवाली रुड़की का है, 3 जो है थाना श्यामपुर का है, और एक देहरादून और एक नजीबाबाद का है। बाकी 3 वाहन को चिन्हीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। इन दोनों के ऊपर बहुत सारे मुकदमा है, हमने क्राइम प्रेस नोट में जो उसका डिटेल दिया है। इनका विरुद्ध जो है गैंगस्टर का कार्रवाई भी कर रहे हैं और इस टीम को जो है। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में पिछले कई दिनों से जंगली जानवरों का निकलना जारी है। इन जंगली जानवरों की वजह से स्थानीय लोग काफी दहशत में हैं। आज फिर से प्रेमनगर आश्रम के सामने एक मकान से सांप निकला। मकान मालिक ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना के बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप का रेस्क्यू करते हुए उसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है और यही सांप है जो कि घर में निकला है और रिहायशी इलाकों तक ये सांप पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के अंदर दहशत है और जो स्थानीय लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।